अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है झांसे बाशमी और ये है होंडा सिविक 11 जनरेशन 2023 मॉडल। ये होंडा सिविक 11 जनरेशन का टॉप ऑफ लाइन वर्जन है जो कि सिविक आरएस है और ये सिविक का दरमियाना वेरिएंट है जो कि ओरियल है। ये दोनों गाड़ियाँ 1.5 टर्बोचार्ज इंजन के साथ आती हैं और इनकी अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो ये गाड़ी अब 1,02,90,000 की है और ये गाड़ी अब 89 लाख की है। ऑन रोड आते हैं तो ये गाड़ी तकरीबन 95 कॉस्ट करेगी और ये गाड़ी 1,08,09,00,000 रुपये, जो कि बहुत ज़्यादा प्राइस है एक सिविक के लिए। बट क्या कह सकते हैं, ये दोनों गाड़ियाँ साइकिल मोटर स्पोर्ट्स के पास अवेलेबल हैं। अगर आपने इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस जगह नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटर स्पोर्ट्स को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DSA 2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। ये गाड़ियाँ साइकिल मोटर स्पोर्ट्स के पास अवेलेबल हैं और यहाँ पर गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के अलावा गाड़ियों का काम भी किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर गाड़ियों के पार्ट्स भी अवेलेबल होते हैं, जैसे हेडलाइट्स, टेल लाइट्स, फेसलिफ्ट, अलॉय रिम, बम्पर्स, ओवर फेंडर्स और उसके अलावा यहाँ पर गाड़ियों की एक्सेसरीज भी अवेलेबल होती हैं। सो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन के लिए साइकिल मोटर स्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल दीज आर ग्रेट कार्स एंड टुडे आई एम गोइंग टू कंपेयर देम। ये इन गाड़ियों की फिजिकल कीज़ हैं जो कि बैक से बिल्कुल सेम ही हैं और इन पर होंडा का लोगो दिया हुआ है, लेकिन फ्रंट पे थोड़ी डिफरेंट आती हैं। इस तरह से कि सिविक ओरियल की चाबी में सिर्फ लॉक अनलॉक और ट्रंक लीज आता है, जबकि सिविक आरएस की चाबी के अंदर लॉक अनलॉक, ट्रंक लीज और फिर रिमोट स्टार्टर भी आता है। रिमोट स्टार्टर बेसिकली ये चीज़ है कि आप इस गाड़ी को अगर लॉक करके रिमोट स्टार्टर दबा के रखेंगे तो इस गाड़ी के इंडिकेटर ब्लिंक करेंगे और फिर ये गाड़ी स्टार्ट होगी लाइक दिस। आप इसको चाबी से ही स्टार्ट कर सकते हैं। ये गाड़ी स्टार्ट होकर इसका एसी वगैरह ऑन कर देगी। आप आवाज़ सुन सकते हैं, इसकी आवाज़ बढ़ गई है क्योंकि इस गाड़ी का एसी ऑन हो गया है। बंद भी आप इसको यहीं से कर सकते हैं लाइक दिस और फिर आप इस गाड़ी की विंडोज़ को भी यहीं से रोल डाउन या रोल अप कर सकते हैं। अगर आप अनलॉक करके गाड़ी का अनलॉक दबा के रखेंगे तो इस गाड़ी की सारी विंडोज़ ऑटोमेटिकली रोल डाउन होंगी इस तरह से और सनरूफ भी खुल जाएगी। फिर आपने अगर इसको बंद करना है तो आप लॉक दबा के, अगर लॉक दबा के रखेंगे तो इस गाड़ी की सारी विंडोज़ रोल बैक हो जाएंगी। लेस ऑफ द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार, ये होंडा सिविक 11 जनरेशन का फ्रंट लुक है जो कि कंपैरेटिवली पिछली किसी भी सिविक से ज़्यादा ह्यूज है। इन दोनों गाड़ियों के मैंने प्रॉपर डिटेल रिव्यूज़ किए हुए हैं और अगर आपने वो देखने हैं तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। फिलहाल मैं इन गाड़ियों को कंपेयर करने वाला हूँ तो यहाँ पे मिनिमम चीज़ें कवर करेंगे जो कि डिफरेंसेस आते हैं इन गाड़ियों के अंदर। अगर बात की जाए सिविक आरएस की तो यहाँ पे फीचर्स बहुत सारे दिए गए हैं, सिविक ओरियल में फीचर्स कम आते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए गाड़ियों की हेडलाइट्स की तो हेडलाइट्स का भी डिफरेंस आता है यहाँ पर। सिविक आरएस की जो हेडलाइट्स हैं ये फुल एलईडी में आती हैं, इसमें दो अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं और सेंटर में बीम दी गई है और इसके अलावा डीआर का डिज़ाइन इन दोनों गाड़ियों में सेम है। जबकि अगर बात की जाए सिविक ओरियल ये स्टैंडर्ड की हेडलाइट की तो ये हेलोजन वाली ही आती है। इसके अंदर एक प्रोजेक्शन लैंप दिया गया है जिसमें हेलोजन लैंप दिया गया है और मेरे ख्याल से इस प्राइस पॉइंट पे यहाँ पे एलईडी लाइट्स आनी चाहिए थी बट इसमें नहीं दी गई, ये मेरे ख्याल से एक अजीब चीज़ है। इसके अलावा इस पर डीएलएल भी आती है और उसके अलावा अगर बात की जाए फॉग लैंप्स की तो इन दोनों ही गाड़ियों में फॉग लैंप्स एलईडी वाले आते हैं, ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। सिविक ओरियल के अंदर ये थोड़ी सी ऑफसेट लगती है, इसके फॉग लैंप्स एलईडी में है लेकिन हेडलाइट्स हेलोजन में है। इसके अलावा सिविक आरएस में डेफिनेटली सिविक आरएस की बैजिंग आती है जबकि सिंपल सिविक में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा फीचर का डिफरेंस यहाँ पे इस तरह से है कि सिविक आरएस में रडार भी आता है, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल आता है तो उसके सेंसर यहाँ पे दिए गए हैं जबकि ओरियल में चीज़ें नहीं हैं। और इसके अलावा इस गाड़ी की हेडलाइट्स और वाइपर ऑटोमेटिक आते हैं जबकि अगेन सिंपल सिविक में ये चीज़ें नहीं आती। इसकी हेडलाइट भी बेसिक हैं, आप हाथ से ऑन ऑफ करेंगे और वाइपर भी, जबकि सिविक आरएस में वाइपर इन सेंसिंग आते हैं और हेडलाइट्स डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होती हैं। इसके अलावा दोनों ही गाड़ियों के फ्रंट पे कैमराज आते हैं, इसके अलावा कोई डिफरेंसेस नहीं दिए गए। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये कंपैरेटिवली किसी भी सिविक से ज़्यादा अग्रेसिव है। इस तरह से कि यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन यूज़ किए गए हैं, मैट ब्लैक और ग्लॉस ब्लैक। ये गाड़ी क्योंकि ब्लैक में ही है तो इसमें ब्लैक वाले एक्सेंट्स अच्छे से ब्लेंड कर रहे हैं, जबकि अगर ये गाड़ी किसी और कलर में होती तो ये चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट होती। सिविक आरएस के अंदर जो रिम है ये मैट ब्लैक में आते हैं, फिर इस गाड़ी के साइड मिरर भी ग्लॉस ब्लैक में आते हैं, डोर हैंडल भी ग्लॉस ब्लैक में आते हैं और फिर इसके साइड पे जो ये क्रोम की फ्रिल्स आती हैं सिंपल सिविक में ये भी मैट ब्लैक में है। जबकि अगर सिंपल सिविक की बात की जाए तो इसमें ये वाले एरियाज क्रोम में होते हैं, साइड मिरर बॉडी कलर में आते हैं, डोर हैंडल बॉडी कलर में होते हैं और उसके रिम भी कंपैरेटिवली सिंपल से आते हैं जो कि आप देख सकते हैं। ये गाड़ी साइड से फुली ब्लैक्ड आउट है। इसके अलावा कलर लाइंस गाड़ी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं, ये दोनों ही गाड़ियों में सेम है। और अगर बात की जाए सिविक ओरियल के साइड प्रोफाइल की तो ये कंपैरेटिवली बड़ी सिंपल सी है, इसमें अलॉय रिम्स 16 इंचेस के आते हैं जबकि सिविक आरएस में 17 इंचेस के आते हैं। फिर ये अलॉय रिम है भी बेसिक से ही एलुमिनियम और ग्रे के कॉम्बिनेशन के साथ। इसके अलावा इस गाड़ी के साइड मिरर भी बॉडी कलर में है और इन दोनों ही गाड़ियों में साइड मिरर फोल्ड एंड फोल्ड होते हैं गाड़ी को लॉक एंड लॉक करने के साथ साथ, यानी कि इनमें ऑटो का फीचर भी आता है। बाकी इसमें जो इंडिकेटर्स हैं ये भी रेडी में आते हैं, इन दोनों ही गाड़ियों में सॉक एंड लॉक भी आता है, मैं इस गाड़ी को यहीं से लॉक अनलॉक कर सकता हूँ लाइक दिस। और इसके अलावा सिविक ओरियल में यहाँ पे ये क्रोम दिया गया है जो कि सिविक आरएस में मैट में आता है। इसके बारे में बात की जाए इन गाड़ियों के रॉयल लुक की तो रॉयल लुक इन गाड़ियों की ऑलमोस्ट आइडेंटिकल ही है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ कॉस्मेटिक डिफरेंसेस आते हैं। इस तरह से सिविक आरएस कंपैरेटिवली ज़्यादा अग्रेसिव है। इसके बैक पे एक तो ये ऊपर स्पॉइलर दिया गया है जो कि काफ़ी मैसिव है, उसके लुक में एक बहुत अच्छा टच ऐड कर रहा है। ये क्योंकि गाड़ी ब्लैक ही है तो उसका ये काफ़ी अच्छे से ब्लेंड कर रहा है, जबकि अगर ये गाड़ी किसी और कलर में हो तो ये ब्लैक में ही आता है। डजंट मैटर कि गाड़ी का क्या कलर है, ये ग्लॉस ब्लैक में ही आता है। इसके अलावा
सिविक आरएस के अंदर बैक पे डुअल एग्जॉस्ट ट्यूब्स आती हैं जो कि स्टैंडर्ड में नहीं आती। स्टैंडर्ड ओरिगल के अंदर ना लिफ्ट बॉल आता है ना डबल एग्जॉस्ट आते हैं। ये गाड़ी बैक से बहुत सिंपल सी है, इसमें जैसे एक ओरिगल का बैच दिया गया है और एक रिवर्स कैमरा आता है, जबकि सिविक आरएस में फिर आरएस का बैच भी आता है, लिफ्ट बॉल आता है, दो एग्जॉस्ट आते हैं और इसके अलावा यहाँ पर फिर इसके बाद कुछ खास नहीं है। इन गाड़ियों के ट्रंक को आप की फॉब से भी अनलॉक कर सकते हैं और इसके अलावा ट्रंक को अनलॉक करने के लिए यहाँ पे बटन्स भी दिए गए हैं। ऑन गाड़ियों का ट्रंक ऑल द वे अप जाता है लाइक दिस। और इन गाड़ियों की ट्रंक कैपेसिटी जो कि काफ़ी स्पेशियस है, यहाँ पे बैक पे 5 लोगों का सामान बहुत आसानी से आ सकता है और इसके अलावा इन दोनों ही गाड़ियों की ट्रंक काफ़ी वेल कवर्ड है। सिविक 11 जनरेशन में जो एक चीज़ अच्छी हो सकती थी बट नहीं की गई वो ये है कि इस गाड़ी के रियर बेंचेस फिक्स ही आते हैं, ये फोल्डेबल नहीं है। ग्रैंडी वगैरह में या एलेंट्रा में भी रियर बेंचेस फोल्डेबल आते हैं 60-40 की स्पीड के साथ, जिनको फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और ज़्यादा खुला बना सकते हैं, बट वो इन गाड़ियों में नहीं दिए गए। इनके जो रियर बेंचेस हैं ये फिक्स्ड ही हैं, अगर फोल्डेबल होते तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छी बात थी। इसके अलावा इन दोनों गाड़ियों में स्पेयर टायर आते हैं, टूल किट्स आती हैं और यहाँ पर इसके अलावा कुछ खास नहीं आता। इसके बाद अगर बात कीजिए इन गाड़ियों के इंटीरियर की, तो ये होंडा सिविक ओरियर का इंटीरियर है जो कि कंपैरेटिवली सिविक आरएस से थोड़ा सा कम लग्जूरियस आता है। ये मैं सब कुछ कवर करूँगा अभी। अगर बात कीजिए स्पेसिफिक गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये 2-टोन में है। इसमें एक ब्लैक कलर की इंटीरियर की कलर टोन भी ऑफर होती है जो कि आप एक्स्ट्रा पे करके ले सकते हैं। इस गाड़ी में स्टैंडर्ड नहीं आता, सिविक आरएस में ब्लैक रूम स्टैंडर्ड आता है। फिर उस गाड़ी में एक और रूम आता है जो कि आप एक्स्ट्रा पे करके ले सकते हैं जो कि स्पेसिफिक कार का है, ये मैं भी कवर करूँगा आगे। खैर ये गाड़ी इंक्योरियल है तो ये 2-टोन में है। इस गाड़ी का मीटर अगेन सिविक आरएस जैसा ही आता है लेकिन इसमें कुछ कॉस्मेटिक डिफरेंसेस हैं। इसका मीटर सारा वाइट और ब्लैक की थीम में है जबकि आरएस में डिफरेंट आता है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील भी इस गाड़ी का अच्छा है लेकिन ये सारा स्टीयरिंग व्हील प्लास्टिक की फिनिश में है। सिविक आरएस में स्टीयरिंग व्हील लेदर की फिनिश में आता है और उसमें स्टिचिंग भी दी गई होती है। फिर इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पर पैडल शिफ्टर्स नहीं आते, सिविक आरएस में आते हैं, मैं अभी कवर करूँगा। लेफ्ट साइड पर कुछ डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं, लेफ्ट साइड पर जो कंट्रोल्स हैं मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं और एक स्क्रॉल व्हील दिया गया है जहाँ से आप इस गाड़ी के एमआई डिस्प्ले के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। राइट साइड पर कंट्रोल्स दिए गए हैं, ये कंट्रोल्स क्रूज कंट्रोल के हैं। इस गाड़ी में क्रूज कंट्रोल एडाप्टिव नहीं आता, सिविक आरएस में एडाप्टिव आता है, वो मैं अगेन कवर करूँगा अभी आगे। और इसके अलावा इस गाड़ी में टोटल 2 एयरबैग्स आते हैं इन दोनों ही गाड़ियों में, ये मेरे ख्याल से एक अजीब चीज़ है। एयरबैग एटलीस्ट सिविक आरएस में ज़्यादा आना चाहिए थे बट उसमें भी 2 ही दिए गए हैं। इसके अलावा सब कुछ यहाँ बेसिक सही है, हेडलाइट के कंट्रोल भी इस गाड़ी में बेसिक्स हैं, इनमें कोई ऑटो का फीचर नहीं आता, ना ही विंडशील्ड वॉशर के अंदर कोई ऑटो का फीचर आता है। अगेन मीटर भी इस गाड़ी का बेसिक्स है, ये आपको सारी बेसिक चीज़ें शो करवाता है जैसे कि स्पीड, एवरेज कंफर्टेबिलिटी, ट्रिप्स वगैरह, और ये काफ़ी हद तक कॉन्फिगरेबल है क्योंकि इसमें पूरी स्क्रीन आती है। लेकिन ये गाड़ी आपको इंजन की ऑयल लाइफ नहीं शो करवाती, सिविक आरएस आपको वो भी शो करवाती है। इसके अलावा डैशबोर्ड इस गाड़ी का मोस्टली बेसिक सही है, प्लास्टिक की फिनिश में है, इन दोनों ही गाड़ियों में तकरीबन सेम ही आता है। इसके सेंटर में काफ़ी बड़ी हैनीकॉम ग्रिल दी गई है एयरवेंट्स के ऊपर जो कि इसके डिज़ाइन को काफ़ी अच्छा बनाती है। और इसके अलावा सेंटर में इसका एक एमआई डिस्प्ले दिया गया है, एमआई डिस्प्ले इन दोनों गाड़ियों में सेम आता है, ये काफ़ी फीचर रिच है। इस तरह से कि इसमें यूएसबी ऑक्स नेविगेशन वगैरह सारी चीज़ें आती हैं, यूट्यूब भी आती है तो आप इसको वाईफाई से कनेक्ट करके इसमें वीडियोज़ वगैरह भी देख सकते हैं। क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में डुअल जोन आता है लेकिन यहाँ भी एक डिफरेंस है, सिविक आरएस के अंदर इसके साइड मिरर जो हैं वो हीटेड आते हैं, वो भी मैं आगे कवर करूँगा अभी। और उसके अलावा नीचे इसके सब बेसिक चीज़ें दी गई हैं, यूएसबी इनपुट, सिगरेट लाइटर, 2 कप होल्डर्स, गेयर लीवर गाड़ी का अगेन बेसिक सही है, इसको आप PR&D स्पोर्ट्स और लोड के बीच में स्विच कर सकते हैं लाइक दिस। लेकिन आप इसको मैनुअली नहीं चला सकते, सिविक आरएस को आप मैनुअली भी चला सकते हैं। इस गाड़ी में ट्रांसमिशन MCVT आती है, उसमें LLCVT आती है। खैर उससे पीछे इसके सब बेसिक चीज़ें दी गई हैं, इकॉन का बटन दिया गया है और एक ब्लैंक स्विच है। सिविक आरएस के अंदर यहाँ पे ब्लैंक स्विच की जगह पे एक ड्राइव मोड सेक्टर आता है जो कि अगेन सिविक के छोटे वर्जन में नहीं आता। पार्किंग ब्रेक इस गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक आती है जो कि मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ है, यूजुअली कंपनीज क्या चीप आउट कर जाती हैं बट इसमें ये पार्किंग ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक दी गई है और ब्रेक होल्ड भी आता है इसमें। बाकी 2 कप होल्डर्स हैं, उसे भी पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है जो काफ़ी स्पेशियस है और इसके अंदर ये एक ट्रे आती है जिसके पीछे होंडा की हिस्ट्री दी हुई है और एक टैगलाइन दी हुई है द सिविक हिस्ट्री गोज ऑन, नाइस रेचर डिटेल। इसके अलावा इसके सेंटर कंसोल का जो हुड है ये नॉर्मल सही है ये लेदर की फिनिश में लेकिन इसमें स्टिचिंग वाइट दी गई है जबकि सिविक आरएस में ये डिफरेंट आता है। अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स इस गाड़ी की लेदर की फिनिश में है, इसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं और तीनों में सीट्स अलग अलग आती हैं। सिविक आरएस में सीट्स ब्लैक के बरगंडी आती हैं, इसमें वाइट और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में आ सकती हैं और इसका जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है सबसे छोटा वाला उसमें सीट फैब्रिक की फिनिश में आती हैं। तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी सारे डिफरेंसेज हैं, जो स्टैंडर्ड वेरिएंट होता है उसमें सेंटर कंसोल, सीट्स, डोर के पैनल्स वगैरह ये सब कुछ फैब्रिक में आता है। और इसके अलावा सिविक ओरियल के अंदर ये एम्बियन लाइट्स भी नहीं आती, आरएस में यहाँ पे लाइट्स आती हैं। इसके अलावा क्योंकि ये गाड़ी ओरियल है तो इसमें सनरूफ दी गई है, इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट के अंदर जो कि सबसे छोटा होता है उसमें सनरूफ नहीं आती। बाकी सनग्लास होल्डर ये सारी बेसिक चीज़ें दी गई हैं जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और अब मैं आ गया हूँ सिविक आरएस 2023 मॉडल के इंटीरियर में।
ये इंटीरियर 23 में ऑफर किया गया है और ये बर्गंडी इंटीरियर है। कंपैरेटिवली सिंपल वाला इंटीरियर से थोड़ा ज़्यादा महंगा है। सिविक आरएस में जो स्टैंडर्ड इंटीरियर आता है वो ब्लैक वाला होता है। ये गाड़ी ब्लैक विद बर्गंडी है, वो गाड़ी ब्लैक विद ब्लैक होती है। खैर इसकी लोग मेरे ख्याल से बड़ी मज़े की आ रही हैं। ये कलर टोन काफ़ी हद तक फॉर्चुनर लेजेंडर जैसी है, लेजेंडर में भी ऐसा इंटीरियर आता है। अगर बात की जाए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड इस गाड़ी का काफ़ी हद तक बाकी सब वेरियंट जैसा है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आती हैं। अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का लेदर की फिनिश में है और इसके अंदर ये रेड कलर की स्विचिंग भी कंटिन्यू करती है, जो कि आरएस की थीम को जस्टिफाई करती है। इसके अलावा खिलाड़ पर जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये सिविक ओरियल जैसे ही हैं। यहाँ से आप इंटरग्रेशन नेविगेट कर सकते हैं, लेकिन राइट स्पोक में बहुत सारे अलग कंट्रोल्स दिए गए हैं। एक तो इस गाड़ी में क्रूज कंट्रोल आता है जो कि अडॉप्टिव है होंडा सेंसिंग की वजह से। फिर इस गाड़ी में लैंड डिपार्चर असिस्ट भी आता है और फिर आप यहाँ से इसके रडार के डिस्टेंस को भी एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से अगेन बड़ी मज़े की चीज़ें हैं। ये चीज़ें जापानी कार में आती होती थी, पाकिस्तान में ये नहीं ऑफर होती थी, बट अब यहाँ पे भी आने लग गई हैं। इसके अलावा इसके स्टीयरिंग के अंदर पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। ये चीज़ अगेन सिविक के छोटे वेरियंट्स में नहीं आती। और इसके अलावा इस गाड़ी में जो गियर सिलेक्शन है वो है PRND और डी के बाद कोई और मोड नहीं दिया गया, ना स्पोर्ट्स ना लोड। उसकी वजह यह है कि इस गाड़ी में ड्राइव मोड सिलेक्टर भी आता है, जो कि मैं आगे कवर करूँगा अभी। अगर बात की जाए इस गाड़ी के हेडलर के कंट्रोल्स की, तो इस गाड़ी में हेड लाइट्स ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं, यानी कि रात और दिन को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगी। प्लस अगर आप निकल के बाहर जाते हैं तो इसकी हेडलाइट्स थोड़ी देर ऑन रहती हैं अगर ये ऑटो पे होती हैं, तो जैसे आप दूर जाते हैं ये तब बंद होती हैं। तो ये थोड़ी सी लग्जरियस फील देती हैं इस गाड़ी की और ये सिंपल वेरियंट्स में नहीं आती। इसी तरह इस गाड़ी के जो विंडशील्ड वॉशर हैं ये भी ऑटोमेटिक हैं, यानी कि बारिश को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगे। फिर इस गाड़ी का जो मीटर है ये भी कंपैरेटिवली छोटे वेरिएंट से डिफरेंट आता है, इस तरह से कि इसमें रेड कलर के कुछ एक्सेंट्स दिए गए हैं जो कि इसको काफ़ी अच्छी लुक दे रहे हैं। सिंपल ये छोटे वर्जन के अंदर ये वाइट में आता है, इसका ये रेड और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में है। फिर अगर बात की जाए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड इस गाड़ी का अगेन काफ़ी अच्छी लुक के अंदर है। फिर इसके अलावा इसके एयरबैग्स के ऊपर ये हनीकॉम ग्रिल दी गई है, जो कि इसको काफ़ी अच्छी लुक दे रही है। सेंटर में अगेन वही स्क्रीन आती है जो कि सिंपल वेरिएंट में भी आती है। सिविक का जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है उसमें स्क्रीन कम फीचर रिच आती है। ओरियल और आरएस में स्क्रीन सेम है, जबकि स्टैंडर्ड वेरिएंट में ये छोटी आती है। फिर उससे नीचे इस गाड़ी का क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में डुअल जोन है अगेन, लेकिन इस स्पेसिफिक कार के क्लाइमेट कंट्रोल के अंदर एक एक्स्ट्रा बटन दिया हुआ है जो कि रेयर डिफॉगर के साथ साइड मिरर डिफॉगर का भी है। इस गाड़ी में साइड मिरर डिफॉगर वाले आते हैं। इसके अलावा नीचे कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं बेसिक से, USB इनपुट, सिगरेट लाइटर, ड्रॉर। सिविक 11 जनरेशन के अंदर बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे वायरलेस चार्जर आएगा, बट इसमें नहीं दिया गया। फिर उसके पीछे गियर लीवर दिया गया है, कप होल्डर्स दिए गए हैं और ड्राइव मोड सिलेक्टर दिया गया है। ड्राइव मोड सिलेक्टर इस गाड़ी में होंडा सोनाटा जैसा आता है देखने में। इसको आप डिफरेंट मोड्स के बीच स्विच कर सकते हैं, जो कि स्पोर्ट, नॉर्मल और इकॉन है। इसमें सिर्फ यही तीन ड्राइव मोड्स आते हैं और इनके साथ साथ इस गाड़ी का जो मीटर है ये डिस्प्ले भी चेंज करता है अपना। फिर उसके पीछे ब्लैंक स्विच दिया गया है, पार्किंग ब्रेक दी गई है और साथ दो कप होल्डर्स दिए गए हैं। उससे पीछे इस गाड़ी का सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि ब्लैक और रेड के कॉम्बिनेशन में है। फिर इसकी कैपेसिटी काफ़ी स्पेशियस है, इसके अंदर भी ट्रे आती है। अगेन उसके पीछे हिस्ट्री दी गई सिविक की। और इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स भी इसमें काफ़ी कंफर्टेबल आती हैं। ये सीट्स बर्गंडी कलर में हैं और इसके अलावा इसमें ब्लैक सीट्स भी ऑफर होती हैं। ये आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप कौन सी गाड़ी पसंद करते हैं। इस स्पेसिफिक कार में सिविक आरएस के अंदर जो रूफ है ये भी ब्लैक में आती है, लेजेंडरी की तरह ही। इसके अलावा अगेन इसमें सनरूफ दी गई है जिसका आप यहाँ से ओपन क्लोज कर सकते हैं। कैबिन लाइट्स आती हैं और सिविक आरएस के अंदर जो रेयर व्यू मिरर है ये भी ऑटो डिमिंग वाला आता है। छोटे वेरिएंट्स में ऑटो डिमिंग वाला नहीं आता, बेसिक्स आता है। इसके अलावा इसके स्टीयरिंग के साइड पे होंडा सेंसर के कंट्रोल्स दिए गए हैं। इसमें होंडा सेंसर भी आता है जिसको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और इसमें फिर बहुत सारी चीज़ें आती हैं जैसे कि अडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन डिपार्चर असिस्ट, लेन कीप असिस्ट, आप इसके रडार के डिस्टेंस को एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा सिविक आरएस के अंदर एमबी लाइटिंग भी आती है, ये आप देख सकते हैं। इसके डोर्स में ये रेड कलर की स्ट्राइप्स दी गई हैं ड्राइवर पैसेंजर दोनों के पास, जो कि एम्बिएंट लाइट है। ये कि बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है बट स्टिल ये आती है। और फिर इसमें ड्राइवर पैसेंजर के फुटबॉल के अंदर भी रेड कलर की लाइट्स आती हैं, जो कि अगेन मेरे ख्याल से इसको अच्छी लुक दे रही हैं। इसके अलावा इस गाड़ी में चारों ही विंडो सिंगल टैप वाली हैं, यानी कि आपको सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकते हैं चारों को, जबकि सिविक के छोटे वेरिएंट्स के अंदर सिर्फ फ्रंट की दो आती हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये सिविक आरएस का इंटीरियर है जो कि डेफिनेटली बर्गंडी कलर में है। इसमें ब्लैक इंटीरियर भी ऑफर होता है, वो स्टैंडर्ड होता है या एक्स्ट्रा पे करके लिया गया है। और इसकी लुक मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी आ रही है, बर्गंडी विद ब्लैक। और इसके अलावा बैक पे यहाँ पे अमेनिटीज़ काफ़ी सारी दी गई हैं ट्रेवल पैसेंजर्स के लिए, जैसे कि इसमें इवेंट्स भी आते हैं। फिर इस गाड़ी में कैबिन लाइट्स दी गई हैं जो कि LED में है। सेंटर में एक सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको निकाल के आप इसमें दो कप होल्डर एक्सेस कर सकते हैं। सीट बेल्ट्स आती हैं बैक पे, ISOFIX के पोर्ट्स आते हैं, बैक पे स्पीकर आते हैं, लेकिन एमबी लाइटिंग यहाँ पे नहीं दी गई, जो कि मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज़ है, अगर होती तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। इसके बाद अगर बात की जाए सिविक ओरियल के रियर कैबिन की, तो ये भी ऑब्वियसली कैपेसिटी के लिहाज से, एमेनिटीज़ के लिहाज से बिल्कुल सेम ही है सिविक आरएस जैसा, लेकिन ये बेज विद ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ है।
और इसके अलावा इसमें अमेनिटीज भी उतनी ही आती हैं, बैक पे एयर वेंट्स दिए गए हैं, चार्जिंग आउटलेट सिविक के अंदर नहीं आते 11 जनरेशन में, जो कि मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। इवन सिटी भी ऑफर करती है, बट सिविक में इवन आरएस के अंदर भी चार्जिंग आउटलेट नहीं दिए गए बैक पे। इसके अलावा बैक पे यहाँ पे अगेन सेंटर कंसोल वगैरह आता है, कप होल्डर आते हैं, लेकिन सिविक ओरियो के अंदर एक चीज़ डिफरेंट है और वो ये है कि इसका जो ये पैनल है ये चीप प्लास्टिक का है, जबकि सिविक आरएस में ये ग्लॉस ब्लैक में आता है। सिविक आरएस में फ्रंट पे भी लाइट आती है लेकिन बैक पे नहीं आती, बट पैनल्स दोनों ग्लॉस ब्लैक में होते हैं। सिविक ओरियल के अंदर फ्रंट पे क्लॉथ ब्लैक पैनल आते हैं लेकिन एमपी लाइटिंग नहीं आती और बैक पे ये पैनल चीप प्लास्टिक के हो जाते हैं। आई डोंट नो ऐसा क्यों है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे एयर बैग्स के स्लॉट्स आते हैं जो कि ब्लैंक ही हैं, इनमें एयर बैग्स नहीं आते और तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। इसके अलावा यहाँ पर कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जिन गाड़ियों के इंजन की, तो इन दोनों ही गाड़ियों में इंजन सेम आते हैं 1500 cc टर्बोचार्ज, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस का बहुत डिफरेंस है। जो सिविक आरएस है ये गाड़ी 178 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जबकि जो सिविक ओरियल है या स्टैंडर्ड है ये गाड़ियाँ 127 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती हैं, जो कि बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस है। इन गाड़ियों के टॉर्क का भी काफ़ी सारा डिफरेंस आता है और इसके पीछे जो मेन वजह है वो इन गाड़ियों की ट्रांसमिशन है। सिविक आरएस की ट्रांसमिशन आती है ये LCVT है, जबकि ओरियल और स्टैंडर्ड में जो ट्रांसमिशन आती है ये MCVT है। ये बड़ी बेसिक ट्रांसमिशन है जबकि ये वाली थोड़ी हाई परफॉर्मेंस है, जिसकी वजह से इन गाड़ियों की परफॉर्मेंस का भी काफ़ी फर्क है। एवरेज ये गाड़ियाँ आपको तकरीबन 12-13 तक की दे सकती हैं विदिन सिटी, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न, अगर आप इनको प्यार से चलाएंगे तो। इसके अलावा इन दोनों ही गाड़ियों के मोटर हाइड्रोलिक से ओपन नहीं होते, सैंड से होते हैं। इस प्राइस पॉइंट पर बहुत सारी गाड़ियाँ हाइड्रोलिक ऑफर करती हैं बट इनमें नहीं आता। इसके अलावा इसके बोनट के अंदर इंस्टॉलेशन दी गई है और इनमें ABS, व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह जैसी सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन सिविक आरएस में कुछ सेंसर ज़्यादा आते हैं जो कि बहुत सारे ड्राइविंग फीचर को इनेबल कर देते हैं, जैसे कि लेन डिपार्चर असिस्ट, लेन कीप असिस्ट, ऑटो ब्रेकिंग एंड व्हाट नॉट। तो वो सारी चीज़ें इस गाड़ी में आती हैं जो कि इस किराए को कंपैरेटिवली थोड़ा सा और बेहतर बनाती हैं। अगर बात कीजिए टायर साइज़ की, तो सिविक आरएस में टायर साइज़ आता है यह 215, 50 और 17। इस गाड़ी में 17 इंचेस का अलॉय रिम दिया गया है जो कि फुल मैट ब्लैक में है और इस गाड़ी के साथ काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें 17 इंच का रिम आता है जबकि सिविक जो ओरियल है इसमें रिम 16 इंच का आता है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर की, तो टायर इस गाड़ी में BG Thunder Max आता है जो कि जनरल का ही टायर है और ये टायर कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लोग यूजुअली लेके इसको चेंज करवा लेते होते हैं। अगर आप इसमें कोई और टायर लगवा लेंगे मिशलेन या कॉन्टिनेंटल वगैरह, तो इसकी राइड कंपैरेटिवली काफ़ी बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा इस गाड़ी में ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आती है, यानी फ्रंट और बैक चारों में डिस्क ब्रेक दी गई है। ये रिम मैट ब्लैक में है फुल, जबकि सिविक ओरियल के अंदर 16 इंच का आता है। इसका टायर साइज जो है वो है 215, 55 और 16। इसमें 16 इंच का मल्टी स्पोक अलॉय रिम दिया गया है जो कि ग्रे और एल्युमिनियम की फिनिश के अंदर है। और इसके अलावा अगेन इस गाड़ी में भी ऑयल डिस्प्लेक दी गई है। इसके अलावा टायर इस गाड़ी में भी जनरल का ही आता है, BG Luxo Plus, जो कि सिविक एक्स में आया करता था। ये था उसका कंपैरिजन। अगर आपको कंपैरिजन पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको पसंद गाड़ियों से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो जो ये गाड़ियाँ लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।